आज मैं आपको बताऊंगा, अगर आपने भी सीएससी से बैंक बीसी लेने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया तो यहाँ पर मैं आज आपको बताऊंगा आप बैंक बीसी का एप्लीकेशन स्टेटस कैसे चेक कर सकते हैं। आपको पूरा का पूरा कंप्लीट डिटेल के साथ बताऊंगा आपका बैंक मित्र का एप्लीकेशन आप अप्रूव कैसे करवा सकते हैं। आपको पूरा का पूरा कंप्लीट डिटेल के साथ बताऊंगा, तो उसके लिए बन स्टूडियो के साथ। उससे पहले आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सर के बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए आपको करना का सबसे पहले आपके यहाँ पर सीएससी आईडी लॉगिन कर लेनी है। जैसे आप सीएससी आईडी लॉगिन करोगे तो आपको सीएससी का डैशबोर्ड आपको इस तरह का यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता। ऊपर ही ऊपर आपको पर देखने को मिलेगा सर्च बार का ऑप्शन, सिंपली इस पर आपको क्लिक कर देना। इस पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपको टाइप कर देना बैंकिंग। जैसे यहाँ पर आपको बैंकिंग टाइप करोगे तो आपको पर ऑप्शन देखने को मिलेगा ऊपर ही ऊपर बैंकिंग ऑब्लिक बैंक मित्रा, सिंपली इसी पर आपको क्लिक कर देना। अगर आपने सीएससी से बैंक बीसी के लिए रजिस्ट्रेशन किया होगा तो आपको ये पता भी होगा, नहीं है तो आप इस तरीके से सीएससी से बैंक बीसी का रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। रजिस्ट्रेशन करने के लिए भी आपको यहीं पर आना पड़ेगा और यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है वीएलयू रजिस्ट्रेशन, सिंपली इस पर आपको क्लिक कर देना। इस पर क्लिक करने के बाद में अगर आपको रजिस्ट्रेशन करना है सिंपली न्यू यूजर इस पर आपको क्लिक कर देना। अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया ऑलरेडी और आप अपना यहाँ पर स्टेटस चेक करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको न्यू यूजर सिंपली इस पर आपको क्लिक कर देना। इस पर क्लिक करने के बाद में सिंपली यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिला सबमिट का, सबमिट पर आपको क्लिक कर देना। सबमिट पर आप जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पर इस तरीके से हाईलाइट आपको दिखाया जाएगा। देख ली यहाँ पर न्यू बैंक मित्र रजिस्ट्रेशन के लिए ये सारी की सारी चीज़ें आपके पास यहाँ पर अवेलेबल होनी चाहिए, तभी आप यहाँ पर सीएससी से बैंक बीसी का रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। तो ये सारे के सारे अगर आपके पास भी डॉक्यूमेंट अवेलेबल है तो आप सीएससी से बहुत ही आसानी से बैंक बीसी का रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। अगर आपने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर दिया तो आप अपने पर स्टेटस कैसे चेक करोगे, जैसे मैंने यहाँ पर इसका रजिस्ट्रेशन कर दिया तो मैं स्टेटस यहाँ पर चेक करके आपको बताता हूँ। तो स्टेटस चेक करने के लिए आपको करना क्या, सिंपली यहाँ पर आपको देखने को मिला कंटिन्यू का ऑप्शन, कंटिन्यू पर आपको क्लिक कर देना। कंटिन्यू पर आप जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पर इस तरीके से आपको पर देखने को मिल जाएगा। अगर आपसे यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर आपकी सी एस आई और पासवर्ड दोबारा से मांगे तो आपको लगा देना। जैसे आप लॉगिन करोगे तो आपको भी इस तरीके से यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। देख लीजिए यहाँ पर देख लिए कॉन्ग्रेचुलेसन। मैं आपको बताना चाहूँ आपका पर बैंक बीसी का यहाँ पर फॉर्म अप्रूव होगा तो आपको इस तरीके से देखने को मिलेगा कॉन्ग्रेचुलेसन। यहाँ पर देख लीजिए वेरिफिकेशन इज कम्प्लीटेड बाई स्टेट टीम एंड योर एप्लीकेशन इज सेंड टू बैंक फॉर अप्रूवल। वी विल कॉन्टेक्ट यू वंस बैंक विल अप्रूव योर एप्लीकेशन। इस तरीके से आपको भी देखने को मिल जाएगा। तो आप समझ लीजिएगा आपका जो बैंक बीसी का आपने फॉर्म भरा सीएससी से वो यहाँ पर अप्रूव हो चुका और जो भी आपने बैंक चूज करा उसकी तरफ से आपको पर कॉल आ जाएगा। मैं आपको बताना चाहूँगा आपका पर सीएससी से बैंक बीसी मिलने के लिए। तो यहाँ पर इस तरीके से आप भी अपना स्टेटस चेक कर सकते हो। अगर आपने पर फॉर्म सबमिट किया आपको इस तरीके से मैसेज आपको देखने को नहीं मिलता तो मैं आपको बताना चाहूँगा आपको यहाँ पर इस तरीके से मैसेज आपको देखने को मिल रहा होगा। देख लीजिए इस तरीके से आपने जब भी रजिस्ट्रेशन किया तो यहाँ पर देखिए रजिस्ट्रेशन कंप्लीटेड, योर एप्लीकेशन इज अंडर ऑब्जर्वेशन, कॉन्टैक्ट योर डिस्ट्रिक्ट मैनेजर फॉर वेरिफिकेशन। इस तरीके से आपको पर देखने को मिलेगा। अगर आपका फॉर्म अप्रूव नहीं होता तो आपको इस तरह से देखने को मिलेगा। तो आपको करना का यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ देखिए डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से, आपके डीएम से आपको यहाँ पर कॉन्टैक्ट कर लेना आपके डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से। वैसे आपको यहाँ पर इसका यहाँ पर वेरिफिकेशन यहाँ पर सक्सेसफुली अप्रूव यहाँ पर हो जाएगा। मैं आपको बताना चाहूँगा आपके जो भी यहाँ पर डीएम है सीएससी के जो भी यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट मैनेजर है उनसे आपको कॉन्टैक्ट करना। कॉन्टैक्ट करने के बाद में उनसे यहाँ पर बोल देना कि यस सर मैंने यहाँ पर सीएससी से बैंक बीसी के लिए यहाँ पर रजिस्ट्रेशन किया तो मेरा यहाँ पर फॉर्म को अप्रूव किया जाए। तो यहाँ पर वो आपके पर सहायता जरूर करेंगे, वो आपके फॉर्म को अप्रूव कर देंगे। तो आपको भी इस तरीके से यहाँ पर आपके फॉर्म को अप्रूव करवा लेना। मैं आपको बताना चाहूँगा जब आपका फॉर्म अप्रूव हो जाएगा तो आप जैसे मैंने आपको चेक करके बताया जैसे आप भी चेक करोगे तो आपको भी इस तरीके से देखने को मिल जाएगा कॉन्ग्रेचुलेशन वेरिफिकेशन इज कम्प्लीट बाय स्टेट टीम। तो आपको भी यहाँ पर इस तरीके से मैसेज आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद में आपको बैंक की तरफ से कॉल आ जाएगा और मैं आपको बताना चाहूँगा ये फॉर्म अपलोड होने के बाद में भी आपको अपने डीएम से कॉन्टैक्ट करते रहना, आपके डीएम से पूछते रहना तो आपको पर जरूर आपको यहाँ पर सीएससी की तरफ से बैंक बीसी मिल जाएगा। तो आप यहाँ पर अपने स्टेटस इस तरीके से चेक कर सकते हो। मैंने पूरा का पूरा कंप्लीट आपको बता दिया कैसे आप यहाँ पर सीएससी से बैंक बीसी का यहाँ पर स्टेटस चेक कर सकते हो। ज़्यादा जानकारी के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा आपके डीएम से आपको कॉन्टैक्ट में रहना, आपके डीएम से आपको बात करते रहनी। यहाँ पर फॉर्म अप्रूव होने के बाद में भी आपको पर डीएम यहाँ पर बीसी दिला पाएंगे तो मैं आपको बताना चाहूँगा आपको इस तरीके से स्टेटस चेक कर लेना। मैंने आपको कंप्लीट आपको बता दिया। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना और चैनल को। धन्यवाद।